देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही बनेगा कृषि बजट, पहली बार किसानों को दी गई तवज्जो। मध्य प्रदेश के सीएम का दावा, ड्रोन तकनीक से 25% तक होगी खाद की बचत, किसानों को होगा फायदा। अक्टूबर नवंबर में हुई बारिश की वजह से 1,00,000 हेक्टेयर में लगी बागवानी की फसल तबाह, किसानों को बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। राजस्थान में अलग कृषि बजट को लेकर सरकार की कवायद जारी है। जगह जगह पर खेती, पशुपालन, मछली पालन और सहकारिता से जुड़े लोगों से सरकार इसके लिए राय ले रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि पहली बार अलग बनने जा रहे कृषि बजट को किसानों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि वो खेती किसानी की खुशहाली के बारे में जो महसूस कर रहे हैं उसे खुलकर बताएं, उनके सुझावों के आधार पर ही कृषि बजट बनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में सरकार प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों और खाद उत्पादक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रही है। कृषि विभाग के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कृषि बजट का स्वरूप तय करने के लिए संभाग स्तर पर संवाद कर और साथ ही ईमेल और पत्र के माध्यम से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन सभी सुझावों को एक साथ करके बजट तैयार किया जाएगा। साथ ही कटारिया ने खेती में ट्रेडिशनल तरीकों के साथ आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम किसानों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मेला भर नहीं बल्कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किया जा सकता है। इससे किसान हानिकारक रसायन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। ये तकनीक कम खर्चीली भी है। ड्रोन तकनीक से 25% तक खाद की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में आई बाढ़ के दौरान ड्रोन तकनीक काफी मददगार साबित हुई है। बचाव कार्य ड्रोन के जरिए चलाए गए। ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। पहले जहां कंपनियों को 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, वो संख्या घटकर अब 5 कर दी गई है। यही नहीं, लाइसेंस की प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन में स्पष्टता बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खुलेंगे। इन स्कूलों के जरिए ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे युवाओं को रोजगार मिले। साथ ही ड्रोन तकनीक का भी विकास और आत्मनिर्भरता में भरपूर इस्तेमाल हो। उन्होंने ग्वालियर के MITS में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर खोलने की बात भी कही। इसके लिए एक कंपनी के साथ MOU भी साइन किया गया है। अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से कर्नाटक के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 1,00,000 हेक्टेयर में लगी बागवानी की फसलें तबाह हो गई हैं और अब लागत निकलने की उम्मीद भी कम ही है। यही कारण है कि किसान अब सरकार की तरफ आर्थिक सहायता के लिए देख रहे हैं। कर्नाटक बागवानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बेमौसम बारिश ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1,00,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर उगाई गई बागवानी फसलों को नुकसान पहुँचाया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नष्ट हुई फसलों में सब्जियां, फल, फूल और पेड़ों के पौधे भी शामिल हैं। कम से कम 1,56,257 हेक्टेयर में नुकसान हुई बागवानी फसलों में से अकेले बेल्लारी जिले में 42,643 हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित हुई है। बागवानी विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि किसानों ने विभिन्न जिलों में 60,000 हेक्टेयर भूमि पर मिर्च की खेती की थी। इसके बाद 31,868 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई थी। वहीं 7,754 हेक्टेयर में टमाटर और 3,577 हेक्टेयर में आलू की खेती किसानों ने की थी। इन सभी फसलों को बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। इन फसलों की खेती से किसान कमाई करते हैं, लेकिन इस बार इसकी उम्मीद बेहद कम है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी।
डीएपी के बाद अब यूरिया की कमी को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर 2021 में 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग को स्वीकृत किया गया है, लेकिन आपूर्ति 5 लाख मीट्रिक टन की ही करवाई गई, जिसके कारण नवंबर महीने के अंत तक राज्य में आवंटन के विरुद्ध 2.48 टन यूरिया की कमी उत्पन्न हो गई। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया खाद मुहैया कराने का आग्रह किया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने में 3.52 लाख मीट्रिक टन यूरिया के आवंटन की आपूर्ति किए जाने और राज्य को प्रतिदिन कम से कम 5 रैक यूरिया, जिसमें 15,000 मीट्रिक टन मात्रा आती है, उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 30 जिलों के 1.82 लाख किसानों को बाढ़ से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने को 63 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर 6 दिसंबर तक 15,26,351 बाढ़ प्रभावित किसानों का विवरण दर्ज किया गया है। राहत आयुक्त की वेबसाइट पर दर्ज नामों का सत्यापन कराया गया है। इसके आधार पर 13,43,620 किसानों को अब तक मुआवजा दिया जा चुका है। शेष बचे किसानों को मुआवजा देने के लिए पैसे की व्यवस्था करा दी गई है। रांची में भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कृषि आशीर्वाद योजना को दोबारा शुरू करने की मांग उठी। मोर्चा की बैठक में इस बाबत प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित किसानों के हितों से जुड़ी अन्य योजनाओं को लागू कराने के लिए भी राज्य सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया है। तय किया गया कि अगर राज्य सरकार किसानों के हितों की अनदेखी करती है तो मोर्चा आंदोलन को बाध्य करेगा। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसे वर्तमान सरकार में बंद कर दिया गया है। सरकार ने किसानों का 2 लाख तक कृषि ऋण माफी करने की घोषणा भी की थी, इस पर भी अमल अभी तक नहीं किया है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।